बच्चे पढ़ो से जल्दी ठीक होते हैं। नहीं, डर तो लगा था लेकिन मेरे को विश्वास था आपके ऊपर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, स्माइलिंग। क्या कह दिया मॉर्निंग में इनको? मॉर्निंग में अभी इसने पानी पिया था। पानी पिया और आइसक्रीम खाई थी। ओपन योर माउथ। बस ये बिस्किट दूध वगैरह वो नहीं खा रहा। हाँ बोलो। हाँ फर्स्ट क्लास से ट्राई है। अभी इनको क्या है, घर जाने के बाद जैसे आज छुट्टी कर देंगे, अभी घर जाने के बाद दूध, दलिया, खिचड़ी, फ्रेश कर्ड, छाछ, लस्सी, दूध में ब्रेड डाल के हलवा बना के, ठीक है ना, ये सब चीज देनी है। ठीक है। क्या नहीं देना है? वेजिटेरियन है, नॉन वेज तो वैसे भी नहीं लेता होगा, स्पाइसी फूड नहीं देना, बच्चों को शौक होता है कुरकुरे और ये सब, नमकीन से नहीं देना। ठीक है। ठीक है। हो सकता है जो बच्चे क्रोनिक लंबे समय तक माउथ ब्रीदिंग करते हैं, अभी भी कल जाके माउथ ब्रीदिंग करे। व्हाई? बिकॉज इसकी हैबिट में ही आ चुका। सो हमें क्या करना है, दो तीन दिन बाद अगर माउथ ब्रीदिंग करके रात में मुंह बंद कर देना ऐसे, क्योंकि बच्चे में लंबे समय तक वही आदत हो जाती है। ठीक है। बच्चे पढ़ों से जल्दी ठीक होते हैं, क्यों पता है? व्हाई? बड़ा आदमी होता है वो अपने दुख को लेके पड़ा रहता है, जब तक उससे सब मिलने नहीं आते, इसको किसी से मतलब नहीं है, टीवी देख लेगा मस्त रहे। सो बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, अभी ये नॉर्मल हो जाएगा, घर जाके। मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं, बड़े आदमी नहीं होते। दिस पेशेंट बेसिकली हैव द कंप्लेंट ऑफ रिगार्डिंग द माउथ ब्रीदिंग एंड द नेजल ब्लॉकेज, यानी इनको बेसिकली नोज ब्लॉक रहता था और माउथ ब्रीदिंग रहती थी। ये जो प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारे घर में या किसी पड़ोस में, हमने भी देखा होगा, बट कई बार क्या होता है कि उस चीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता कि उसका क्या कारण है। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है वो एडिनोइड और टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल रहते हैं, एडिनोइड्स रहते हैं। तो ये दोनों क्या है, बच्चे के अंदर जो हमारा गला जो गर्दन से मिलता है वहां पे टॉन्सिल और वैसे ही एक टॉन्सिल के जैसा मास होता है जिसको हम एडिनोइड्स बोलते हैं। तो ये नाक के पीछे के हिस्से में जब बच्चा सोता है तो उसको ब्लॉक कर लेता है। ये सब क्या होता है, बट 4 साल बाद 3.5 साल बाद ये खत्म हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। जिन बच्चों को नई श्रिंक होता है तो उनको माउथ ब्रीदिंग होती है, तो उसके कारण जब जो है बच्चे को माउथ ब्रीदिंग के कारण उसकी डेंटल स्ट्रक्चर चेंजेस होती है, दूसरा उसके जो है नोज ब्लॉक रहता है, और बहुत सारे बच्चों के आपने देखा होगा कि सुनाई कम देता है और कान बहने भी लग जाते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम एडिनोइड और टॉन्सिल के कारण होती है। अगर हमारे बच्चे में या हमारे किसी भी बच्चे में 4 साल बाद माउथ ब्रीदिंग है, साथ में बच्चा कोई बेड वेटिंग कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन पढ़ाई में कम है, उसका डेवलपमेंट कितना भी खिलाया खिलाया उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, या उसके बार बार जो है कान बहते हैं, तो डेफिनेटली यू कंसल्ट द डॉक्टर। हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसका कारण पता लगाना चाहिए, और अगर डॉक्टर ने ये बताया है कि इसको एडिनोइड या टॉन्सिल की समस्या है और बच्चा 4 साल से ऊपर है, तो कभी भी उसको दबाएं नहीं, कभी भी उसमें डरे नहीं, ये बहुत छोटा बच्चा है, कल हमने इनकी सर्जरी की थी और आज ये छुट्टी हो रही है इनकी। बट सर्जरी अच्छी जगह होनी चाहिए, अच्छी साधन सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट आए। बिकॉज द थिंग्स आर एंटायरली एंडोस्कोपी, इसको दूरबीन से किया जाता है, इसका कहीं बाहर से कोई चीज पर चाका पट्टी कुछ भी नहीं होती। दूसरे दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाए और बच्चा घर जाने के बाद 2-3 दिन बाद अपना नॉर्मल हो जाता है। थैंक यू। ये मेरा बेटा है रिदान सैनी और मैं इसकी मदर हूँ। मुझे इसको पता चला कि इसके टॉन्सिल बहुत बड़े हैं, तो मैंने इन डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर मैंने दिखाया इनको, इन्होंने मुझे बोला कि इसके सर्जरी होगा। फिर यहाँ मैं आई, इनसे सर्जरी कराई इसकी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर का बिहेवियर, ऑल स्टाफ इज गुड। After 10 days of surgery, बेटा आप ठीक हो? अब खाना वगैरह खा रहे हो? आज क्या खाया आपने? दूध पिया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है? बढ़िया है। ये मेरा दोइता है, उसके नाक से सांस नहीं ले पाता था, मुंह खोल के सांस लेता था, बहुत परेशानी थी। जब डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इसका ऑपरेशन होगा, आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? बच्चों में तो बहुत डर लगता है। नहीं, डर तो लगा था लेकिन मेरे को विश्वास था आपके ऊपर कि भाई अच्छा सा कर लेंगे, पहले से जानती थी डॉक्टर साहब को, इसलिए मैंने सोचा कि करवा लेते हैं, करवाने में फायदा है, बच्चा परेशान हो रहा है। आज कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। अच्छा, बढ़िया है। पहले और अब में कितना फर्क है? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है, इसको मुंह से सांस नहीं ले रहा है, आराम से नाक से सांस ले पा रहा है ये। अच्छा। और आपको यहाँ पे जो है ऑपरेशन वगैरह के दौरान कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई। कोई समस्या नहीं। अच्छा, ठीक है। एक जैसे अभी भी क्या है हमारे देश में है ना, बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, बच्चों को पेरेंट्स क्या है उसके लिए इलाज नहीं करा पाते है ना। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी जिस भी बच्चे को ये परेशानी है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब से आके मिले,
सलाह ले और ऑपरेशन करवाए।